नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम जो NYKS के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों, जो NYKS की नेहरू युवा केंद्र संगठन की 13,206 वॉलंटियर की वैकेंसी आई थी उसके इंटरव्यू आपके 25 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चलेंगे, जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो ज्वाइनिंग है आपकी वो 1 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी जो नए वॉलंटियर होंगे। एज की बात करें तो इसमें कम से मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 29। आपकी सैलरी से रिगार्डिंग और इसका वर्क क्या रहेगा, इंटरव्यू कहाँ होगा और जॉब लोकेशन वर्क टाइम, वो सारी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, आज 8 मार्च को आज 8 मार्च के मैं इसको जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आए हैं जो इन्होंने इंटरव्यू में पूछे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो जो क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, दोस्तों इंटरव्यू की 8 मार्च है लेकिन 8 मार्च नहीं है, कल भी बच्चों के इंटरव्यू है, मतलब 9 मार्च है, कल भी बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और 10 मार्च को भी होने हैं, मतलब लगभग आपके 12-13 मार्च तक इंटरव्यू चलेंगे। मैं आपको एक बार जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनके बारे में एक बार आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो क्या है। दोस्तों, मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। नेहरू युवा संगठन केंद्र है जो केंद्र संगठन है जो वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक हेल्प स्कीम है जिसमें खेल मंत्रालय जो अथोराइज्ड खेल मंत्रालय द्वारा उसमें जो युवा कैंडिडेट हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं और जो भी आपके पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े गांव वगैरह हैं उनमें विकास करना, इसका वैसे मेन मोटिव ये है और युवाओं को आगे सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित करना। स्थापना कब हुई थी, इसकी सेकंड पर्सन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी जो इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने 1972 में NYKS की स्थापना की थी। भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, दोस्तों भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो किरण रिजिजू है। आपके ज़िले का फिर डिप्टी कमिश्नर का नाम पूछा जा रहा है, आपके ज़िले के SP का नाम पूछा जा रहा है, मतलब आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं आपको उस ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, SP, आपके जो आपका तहसील है उसके आपको उसका तहसील के आपको मजिस्ट्रेट का नाम पता होना चाहिए, SDM का नाम आपको पता होना चाहिए और साथ में आपका जो हाई कोर्ट है, मतलब सॉरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन जज है, वहाँ के आपको कोर्ट का जो जज है उसका नाम पता होना चाहिए। दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है, अब मैं दूसरे 5 क्वेश्चन और की लिस्ट दिखा देता हूँ जो मतलब टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक बच्चे से। तो दोस्तों, साथ में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक किए जा रहे हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हमारे आगे के क्वेश्चंस के। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था, विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है जो हर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, आप NYKS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। दोस्तों, ये हर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चे हैं इसके आंसर में सस्पेंस में रह जाते हैं कि वो क्या बोलें। तो इसका आंसर ये होगा कि मैं राष्ट्र के हित में काम करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ सेवा देना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए यूथ ब्रिगेड में आकर अपना सहयोग देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, आपने कोई सामाजिक काम किया है, मतलब आपने किसी संगठन से जुड़े हो, NCC से, NSS से, या कोई आपने कैंप लगाया या ब्लड डोनेट किया, मतलब इस तरह अगर आपने किया है तो आपको बता देना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूथ डे कब मनाया जाता है। और लास्ट एक और क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है, महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ये टोटल 10 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आज जो इंटरव्यू हुआ है उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों, साथ में आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं, एक आपका प्रेसिडेंट, आपके राज्य का राज्यपाल, आपके राज्य का जो खेल मंत्रालय है उसके मंत्री का नाम, और साथ में आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम, और SSP, एक SSP का और पूछा जा रहा है जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है आपके एरिया का, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं आपके। सिर्फ इतनी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।